केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में आचार संहिता लग चुका है, बिहार में गांव की सरकार चुनने का टाइम आ गया है। बहुत लोगों ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है, कुछ बाकी भी है। बांका जिला के धोरैया प्रखंड में जयपुर पंचायत के यहां के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद हासिम जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद। आप एक समाज सेवी हैं और आप इस बार मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि यहाँ के गरीब जनता को अपना हक मिले, सरकार का जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिले। यहाँ पर जो आगे प्रतिनिधित्व किया गया है उसमें हमारे पंचायत में बहुत कमियां रही है। जैसे किस प्रकार की कमियां? जैसे कि सबसे ये पंचायत जो है धोरैया प्रखंड जो है ये किसान प्रधान पंचायत है और यहाँ पर सबसे जरूरी है कि किसानों का सिंचाई हो, उसका व्यवस्था हो, खाद पानी का व्यवस्था हो, दवाई का व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा किसानों का कहीं कोई चीज का व्यवस्था नहीं हो पाया। यहाँ तक के जैसे सिंचाई के लिए छिटका बनाया जाता है, गार्डवाल बनाया जाता है जहां पर के पानी जो है बहकर नदी में चला जाता है, वह भी नहीं हो पाया। और आज के डेट में कम से कम हमारे यहाँ 17 गांव है जिसमें 8 गांव वाल के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और यहाँ के किसानों ने बहुत प्रयास किया लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि छोटा मोटा काम था। और आज भी जो है जाजू, पड़ियार, रमांडी, झिटका, जयपुर पानी पहुंचने में काफी दिक्कत हो रहा है और वह पानी जो है कदमों से मुड़कर नदी में चला जाता है। तो अगर आप अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ के पहले प्रतिनिधि जो हैं ये किसान प्रधान प्रखंड है, तो यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या है, जैसे अभी खाद लेना है तो किसान बोक रहा है, उसको जो है उचित रेट पर खाद नहीं मिल पा रहा है। दवाई किसान में बहुत बीमारी है, दवाई नहीं मिल पा रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता दें, पहला काम क्या होगा? पहला काम तो मेरा होगा जो घर से वंचित है गरीब लोग, हमारे पंचायत में ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जिनको इंदिरा आवास का लाभ अभी भी नहीं मिला है और वह जो है प्लास्टिक देकर, डमोला देकर अपना गुजर बसर कर रहा है। हम तो चाहेंगे कि सबसे पहले उनको घर मिले रहने के लिए, उसका पानी का व्यवस्था हो, उसका राशन का व्यवस्था हो और जो है किसानों का जो कमी है उसको मैं दूर कर सकूं। ये मेरा पहला प्रश्न। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम जैसे कि हमारे पंचायत में कुछ ऐसे गांव हैं जो अभी मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए बाकी है और उसको काफी दिक्कत हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक गांव है टोला के लिए झिटका, जहाँ पर के कम से कम 100 घर की आबादी है और वहाँ पर आज भी लोग घर जो है दूसरे के आंगन होके जा रहे हैं पूरा गांव, क्योंकि यह कहीं से जो है हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और जाते हैं तो उन लोगों का भी बात सुनना पड़ता है, चाहे वर्तमान प्रतिनिधि हो या जो अभी प्रतिनिधि है। तो यह लक्ष्य मेरा है कि जहां पर इस तरह का व्यवस्था है, कीचड़ है, कादा है, उसको मैं पहले पक्कीकरण करूं और जो है उनको उस रोड से जाने में आसान हो, गाड़ी चला जाए, पराती चला जाए, दूसरा मेरा प्राथमिकता है। तीसरा सर? तीसरा मेरा प्राथमिकता है कि यहां पर जो है शिक्षा का व्यवस्था हो। तो जैसे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे टोला है अभी जो कि 100 घर 150 घर का टोला है और उसमें जो है स्कूल से वह वंचित है, तो वहाँ पर सबसे पहले स्कूल हो, जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ पर बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था हो, आंगनवाड़ी केंद्र बने, ये मेरा जो है प्राथमिकता है। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है? नहीं, मेरे पंचायत में गर्ल हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है और यह बहुत जरूरी चीज है गर्ल हाई स्कूल का व्यवस्था हो। हाई स्कूल लड़के का हाई स्कूल का व्यवस्था इस बार हुआ है लेकिन गर्ल हाई स्कूल नहीं है और पंचायत मेरा बहुत बड़ा है
15 वाट का है और जो है यहाँ पर कम से कम तो यहाँ की बच्चियाँ लड़कियाँ कहाँ जाती हैं अभी पढ़ने? यहाँ की लड़कियाँ अभी जो है यहाँ से 4 किलोमीटर मतलब दूर धुरिया जाती है, इधर जो है पटवा जाती है। तो वो लोग कैसे साइकिल से जाती है? साइकिल से जाती है। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो अपने अधिकारियों से बात करके घर स्कूल की व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे सर आप? चौथा काम हम स्वास्थ्य के लिए करेंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला प्राथमिकता मेरा है कि जो है हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं है। बहुत अच्छी बात। एक केंद्र नाम का केंद्र है जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ड्यूटी में नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था हो और इसके लिए मैं आला अधिकारी से बात करके जरूर करवाऊंगा। आपने बताया सर सड़क, किसान के बारे में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा व्यवस्था करेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करेंगे। कौन सा ऐसा काम है जिसको आप अपने दिमाग में रखे हैं कि चुनाव जीत के आएंगे सबसे पहले इसको करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही सोचा हूँ कि सबसे पहले जो हमारे नजर में है, हकीकत में यही है कि सबसे पहले झिटका वालों को मैं घर तक पहुँचाऊँ, इसलिए कि उसको काफी परेशानी है। झिटका गांव में आप सड़क देने की व्यवस्था। अभी आप चुनावी दौर में हैं, आप पहले समाज सेवी भी रहे हुए हैं, इस भयावह कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया? इस कोरोना काल में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर में थे, दिल्ली, यूपी, बनारस, वहाँ उन लोगों से मेरा संपर्क बरकरार रहा। हमारे यहाँ माननीय विधायक जी पार्टी थे, उनसे भी मैंने बात कराया, जहाँ तक हुआ व्यवस्था भी कराया, यहाँ पर भी लोगों का देख रेख किया, जिसको जो दिक्कत हुआ उसको जो है हम लोगों ने उपलब्ध कराया, मुहैया कराया, उसके खाने पीने का या जो भी हो जितना सा हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसमें लग भिड़ के उसको काम किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया कि आप मास्क लगाइए, आप घर में रहिए, आप बाहर में रहिए, इस तरह का काम हम लोगों ने करते रहा। इस बार आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस बार हमको आप लोग मौका दीजिए और मैं आप लोगों के साथ, आपका साथ मेरा विकास रहेगा, मैं आपके साथ रहूंगा, हर दुख सुख में रहूंगा, हर घड़ी में रहूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपका साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मुखिया प्रतिनिधि। टाइम्स मैं हूं ओंकार झा, धोरैया प्रखंड के जयपुर पंचायत में वहां के ग्राम वासियों से कुछ खास बातचीत करते हैं कि वहां के मुखिया के कार्य से संतुष्ट है कि नहीं। वर्तमान मुखिया के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिंचाई के संबंध में कारोबार ये सब कुछ लेके और ग्रामीण में भी रोड वगैरह का मतलब ध्यान नहीं दिए। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, हमको तो मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? नहीं मिला है। शौचालय? आपके घर तक सड़क है? हाँ, सड़क तो मेन रोड पे। क्या नाम है आपका? मुखिया जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ नहीं किया है मेरे गांव में। कुछ काम नहीं किए? कुछ तो किए होंगे। नहीं किया है, अभी लाली है, लाली बंद है, पानी का साधन नहीं है निकलने का। अच्छा, पानी निकलने का साधन नहीं है? लाली भी बनाया बंद कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? यही कहना चाहते हैं कि वो मुखिया हम लोगों के लिए बिल्कुल नाखुश, हम लोग पूरा जनता नाखुश है उससे। इस बार किसको वोट दीजिएगा? मेरा हासिम मुखिया रहे, हासिम जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुस्तकीम आलम। आप वर्तमान मुखिया के कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों नहीं है? 15 साल में वो मेरा गाँव कभी आज तक पैदल चलने के लिए नहीं आया कि मेरे गाँव में क्या कमी है, आज तक चल के नहीं आया। और मेरा मुखिया 5 साल रहा और हर गांव में कुछ न कुछ काम किया है। तो आप मुखिया के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं। इस बार किनको वोट दीजिएगा? किनको देंगे? जो मेरा कैंडिडेट है नगमा करण। क्या नाम है बाबा आपका? क्या करते हैं आप? हम जैसे करते थे तो बहुत कुछ, हम खरीदारी करते थे मर्जी से। अभी हम जैसे इलेक्शन में जो है मुखिया का है, पहले वर्धमान मुखिया के पास थे हैं, और हमारा नाली भी बनाया, उतना काम उसका हम किए हैं,
हम नेता लीडर है मगर फिर भी हमारा काम हमारा बचा के लिए नाली ऐसा नाली बना दिया है। अभी हम तीन खोलकर जो है हाशिम का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम आपका? क्या करते हैं आप? आपके खेत तक पानी पहुंचा है? नहीं अभी तक नहीं पहुंचा है। मुखिया जी को कंप्लेन किए थे? जी हाँ मुखिया जी कंप्लेन किया था कि छिटका है नहर में उसको बना दीजिएगा हम लोग का पानी जाने के लिए। वो नहीं कभी बनाए तीन चार साल से पहले। क्या क्या नाम है आपका? मुखिया जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट उस मुखिया से नहीं, हम दिल्ली में रह रहे थे आने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे लेकिन उनको सुनवाई नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। वो मेरे हाशिम मुखिया का नंबर हम लिए, वो बहुत सपोर्ट किया हमको आने जाने में, सुविधा किए, खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। आप क्या करते हैं? घर में खेती बाड़ी करते हैं अपना मालजा। सिंचाई का व्यवस्था है आपके खेत तक? मेरे यहाँ सिंचाई का व्यवस्था क्या होगा? मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना था कि हर किसान के खेत में पानी, वो आपके खेत तक पहुँचा है? उनकी सपना तो सही था लेकिन यहाँ पंचायत में जो अभी वर्तमान मुखिया है उनकी सपना गलत है, जो कि उन्होंने आज दिन तक खाली स्वार्थ वाला काम करते रहे। कैसा स्वार्थ? स्वार्थ ये कि ये मेरा आदमी नहीं है, इसके इसको फैसिलिटी मेरे तरफ से नहीं मिले, इसको इंदिरा आवास नहीं मिले, इसका वृद्धा पेंशन नहीं हो, रोजगार सेवा करता है, एक तरफ से लिख के नाम ले लेकर के फार्म भरता है वहाँ चिन्हित कर करके उन लोगों का जो अपना नाम है, और जिसको इंदिरा आवास नहीं मिलने वाला है उसको मिलता है, जिसको इंदिरा आवास मिलने वाला है उसको नहीं मिलता है, उसका जो है फार्मेसी ला करके रोजगार सेवा सब मिल करके उसको दाद कर देता है। तो मतलब मुखिया के काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। इस बार किनको दे रहे हैं? मुखिया हाशिम साहब को दे रहे हैं हम लोग।